बाय द वे मैं आप सभी को रियल मी के फोन में बोया माइक को कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ, वो भी रियल कैमरे से, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अपने फोन में किसी भी एक्सटर्नल माइक को कैसे कनेक्ट करें, वो भी अपने रियल फोन के कैमरे में। आपको कोई भी एक्स्ट्रा कैमरे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपके फोन में जो भी कैमरा है उसी कैमरे से आप एक्सटर्नल माइक से अपने साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। चाहे वो आपका फोन किसी भी कंपनी का हो, चाहे ओप्पो हो, वीवो हो, रेडमी हो, रियलमी हो या फिर सैमसंग हो, कोई भी फोन हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सभी फोनों में एक्सटर्नल माइक काम करेगा, आपके वो भी रियल कैमरे में। और चाहे वो बोया का माइक हो या फिर कोई लोकल कंपनी का या उससे भी कोई ब्रांड कंपनी का माइक हो, वो सभी माइक आपको कनेक्ट कर सकते हैं अपने फोन के रियल कैमरे में। सिर्फ उसके लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा बिना एस्केप किए। दोस्तों मेरे पास दो तरह का माइक है, जो कि आप एक देख सकते हो कि एक बोया का माइक है, जो कि ये पुराना माइक है मेरे पास, आप देख सकते हो। एंड एक दूसरा माइक है जो कि कैमरे का माइक है, आप ये देख सकते हो। तो मैं आपको ये दोनों माइक कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। एंड इजीली आपका फोन जो मेरा है वो आप देख सकते हैं कि नोर्जा 30 है। एंड यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं, तो नोर्जा 30 है जो कि रियल मी का। तो मैं आपको इस फोन के अंदर कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ, तो आप सिर्फ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों किसी भी माइक को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले अपने माइक को चेक कर लीजिएगा। जैसे कि हम लोग का ये बोया माइक है, तो बोया माइक में सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाता है। इसमें हम लोग को दो मोड मिलते हैं, एक कैमरे का और एक फोन का। तो इस बटन को ध्यान रखिए कि ये फोन की तरफ होना चाहिए। यदि आप बोया माइक इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग को एक बैटरी लगता है। उस बैटरी को आप जरूर ध्यान देख लीजिएगा कि उस बैटरी को लगाए हैं कि नहीं और ये बैटरी चार्ज है कि नहीं, इतना कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी माइक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि आपके उस माइक में ऐसा कुछ है तो उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इतना कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा अपने फोन को लेना है और अपने फोन में सिंपल सा अपने सेटिंग के एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मैं सेटिंग को ओपन कर लेता, तो आपको क्या करना है कि सेटिंग ओपन होते ही हम लोग को स्क्रॉल करके नीचे की साइड में आना है एंड हम लोग को यहां पे सर्च करना है साउंड एंड वाइब्रेशन, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको हम लोग स्क्रॉल करके नीचे की साइड में आएंगे तो यहां पे हमें एक ऑथर का सेटिंग मिल जाता है। तो हमें ऑथर के सेटिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करते ही हमें ऊपर के साइड में देखेंगे तो यहां पे दो ऑप्शंस मिलते हैं। तो जो हम लोग को ऊपर के साइड में डिफॉल्ट रिकॉर्डर दिख रहा है, इसके ऊपर हम लोग को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको नीचे के साइड में दो ऑप्शन और आ जाएंगे। तो आपका क्या है कि यहाँ पे जो डिफॉल्ट रिकॉर्डर है यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट रहेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है या आपको क्या करना है कि एड ऑन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एड ऑन पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर के साइड में आपका यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा या फिर आपका ऑटो रहेगा तो ऊपर के साइड में आपको ऑटो दिखेगा, ठीक है। तो हमें सिंपल सा एड ऑन पे क्लिक कर देना है और हमारा यहाँ पे एड ऑन पे क्लिक हो जाता है। तो हमें इसको कट कर देना है और बैक चले जाना है। और दोस्तों आपके पास कोई भी माइक हो, सिर्फ उतना सेटिंग कंप्लीट कर देंगे तो आपके पास कोई भी माइक रहेगा, वो माइक इजीली आपके फोन में कनेक्ट हो जाएगा। आपका रियल कैमरे से आप अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके फोन में हर माइक कंप्लीट वर्क करेगा, चाहे वो वायरलेस हो या फिर आपका कोई भी माइक हो, उससे सिर्फ उस सेटिंग से आपके फोन में हर माइक सपोर्टेड करने लगेगा। आपको यकीन नहीं है तो आप प्लीज जाकर जल्दी से चेक कर लीजिए कि वो सेटिंग आपके फोन में है कि नहीं है। दोस्तों इस सेटिंग को करते ही आपके फोन में सभी माइक कनेक्ट हो जाएंगे, सभी माइक सपोर्ट करना लगेगा। आपका फोन कोई भी कंपनी का हो, आपके पास कोई भी माइक हो, सभी माइक चाहे वो वायरलेस हो या फिर वायर वाला हो, चाहे आपका फोन किसी भी कंपनी का हो या फिर आपका जो माइक है वो भी किसी कंपनी का हो, फिर भी आपके फोन में रियल कैमरे में आपका माइक सपोर्ट करेगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, एक्स्ट्रा कैमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रियल कैमरे से अपने फोन में वीडियो शूट कर पाएंगे। बकायदे आपको ये ध्यान रखना है कि आपके फोन में ये सेटिंग होना चाहिए, वरना प्लीज कमेंट में मुझे गाली ना दें, क्योंकि ये सेटिंग आपके फोन में है। यदि नहीं, ये सेटिंग ऑन करने के बाद, ये सेटिंग करने के बाद नहीं सपोर्ट करता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बकायदा आज ये सेटिंग ये नहीं है तो प्लीज सॉरी, मुझे गाली कमेंट में ना दें। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो फॉर वॉचिंग।